पॉल अलेक्जेंडर सिर्फ 6 बरस के थे तो उन्हें अचानक पोलियो हो गया। वो उन 60,000 अमरीकी बच्चों में शामिल थे जो 1 साल के अंदर पोलियो का शिकार हुए। अलेक्जेंडर मरने के करीब थे कि उन्हें एक लाइफ सेविंग लोहे के वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया, जिसे आयरन लंग कहा जाता था। नाज़रीन, उस दिन से लेकर आज तक अलेक्जेंडर उस डिवाइस के अंदर रहते हैं। इसमें सबसे काबिले तारीफ बात यह है कि अलेक्जेंडर ने कभी भी अपने आप को विक्टिम नहीं समझा। अपने आयरन लंग तक महदूद होने के बावजूद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री को मुकम्मल किया और वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 8 साल की तवील मुद्दत में बड़ी मेहनत के साथ मुंह में पेन को पकड़कर अपनी बायोग्राफी भी लिखी। 6 बरस की उम्र में पैरालिटिक पोलियो का शिकार होने वाले पॉल अलेक्जेंडर दुनिया में मौजूद उन आखिरी लोगों में से हैं जो आयरन लंग में रह रहे हैं। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जिसकी वजह से वो खुद से सांस लेने से महरूम हो गए थे, अलेक्जेंडर ने पोलियो और आयरन लंग को कभी भी अपनी जिंदगी के दरमियान रुकावट नहीं बनने दिया। आयरन लंग एक फुल बॉडी मैकेनिकल रेस्पिरेटर है। ये आपके लिए सांस लेता है जब आप खुद ऑक्सीजन नॉर्मल तरीके से ना ले सकें। अगर आप पैरालिटिक पोलियो का शिकार हो जाएं, तो आप आयरन लंग की सपोर्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर्स के मुताबिक पॉल 1952 में ही दुनिया से चले जाते जब वो पोलियो का शिकार हुए थे। पॉल को आज भी वो दिन याद है जब डॉक्टर्स उनके बारे में ये बात कह रहे थे कि ये आज ही मर जाएंगे। वो अचानक बीमार हुए। उस वक्त पोलियो की बीमारी काफी ज्यादा फैल चुकी थी। उनकी वालिदा ने हॉस्पिटल कॉल की, लेकिन वहां कोई कमरा दस्तियाब ना था, चुनाचे उन्हें घर पर ही रहना पड़ा। 5 दिन बाद अलेक्जेंडर ने तमाम मोटर फंक्शन खो दिए। उनको सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना था। उनकी वालिदा उन्हें इमरजेंसी में ले गई, जहां डॉक्टर्स बहुत ज्यादा होपफुल नहीं थे। उन्हें उनकी सर्जरी की गई। उसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आयरन लंग में रख दिया, जहां और भी बच्चे मौजूद थे। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता पॉल ने सांस लेने की मुख्तलिफ टेक्निक्स की प्रैक्टिस की। डॉक्टर्स ने बाद में उन्हें आयरन लंग के साथ ही घर भेज दिया। हॉस्पिटल से जाने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी को मामूल के मुताबिक गुजारने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने दोस्त भी बनाए। कुछ वक्त के लिए आयरन लंग को छोड़ने के वो काबिल भी हो गए। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाया। पोस्ट ग्रेजुएट लॉ डिग्री हासिल करने के बाद वकालत पढ़ाई और उसके बाद वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी की। अदालत में वो एक मॉडिफाइड व्हीलचेयर पर जाते थे। नाज़रीन, आज 75 साल की उम्र में पॉल अलेक्जेंडर अपने आयरन लंग पर डिपेंड करते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन वो दुनिया के लिए एक हिम्मत और बहादुरी की एक जिंदा मिसाल हैं। आज के वीडियो के बारे में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।